राजस्थान में मेथी, जीरा और धनिये का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। देश के धनिया उत्पादन का 60% धनिया राजस्थान में होता है। इतने अधिक उत्पादन को अन्य प्रदेशों के व्यापारी खरीदकर उनका मूल्य संवर्धन करके देश और विदेश के बाजारों में बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। राजस्थान के किसान स्थानीय स्तर पर ग्रेडिंग, पैकिंग और मूल्य संवर्धन इकाई लगाकर दुगुना तिगुना लाभ कमा सकते हैं। मसाला का बिजनेस करता है, हमारा पूरा मार्केट विदेश राज्य में होता है और हम लास्ट साल में हम 1800 का मेट्रिक टन का बिजनेस किया है दुनिया में, और हमारा इस साल का टारगेट है 2800 मेट्रिक टन बिजनेस करना। और हमारा बिजनेस प्लान में हमने देखा हमारा धनिया का बिजनेस 10,000 टन तक जा सकता है चार इयर्स में। सो हमारा पूरा 90% हमारा माल हम राजस्थान से खरीदते हैं। सो हम इसका एक सप्लाई चेन एनालिसिस किया, इसमें हमको समझ गया हमारा और फैक्ट्री के और किसान के बीच में अभी 6 लेयर्स ऑफ सप्लायर्स है। मतलब किसान से एक APMC आता है, APMC से फिर ट्रेडर आता है, कमीशन एजेंट, ऐसा करके 5 से 6 तक इंटरमीडिएटर्स है किसान और कंपनी के बीच में। इफ़ हम वो वहाँ ये स्पाइसेस पैदा होता है उधर हमारा प्रेजेंस है तो हमको सस्ता भी मिलेगा, हमको थोड़ा ऊपर भाव हम फार्मर्स को पास ऑन कर सकते हैं। वो कर दिया तो फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिला तो वो ज़्यादा स्पाइसेस पैदा करेगा, वो पैदा कर दिया तो हमारा एक्सपोर्ट और हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा। वो 200 से 250 बोरी धनिया होता है, 200 से 250 बोरी धनिया जो होता है तो उसका रेट हमें बहुत कम मिल रहा था अभी तक। तो हमने सोचा कि यार क्या हो रहा है, कम अपना धनिया का खुशबू जो है वो बाहर तक जा रहा, रेट अपन को कम मिल रहा है। तो हमारे चर्चा हुई उद्यान विभाग वालों से, उद्यान विभाग वालों ने हमें बताया कि आप धनिया के लिए आपका यही सबसे झालावाड़ में अगर ज़्यादा हो रहा तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इसको प्रोसेस करें ताकि आप जैसे किसानों को और अपने साथी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिल सके।